नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं आपके साथ हूं शैलेंद्र कुमार। बिहार लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो जाने के बाद से आज 29 तारीख से गोपालगंज में प्रत्याशियों का जो नामांकन है उसका तिथि जिला प्रशासन द्वारा तय कर दिया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा शहर के जो पोस्ट ऑफिस चौक है वहां से लेकर और जो कलेक्ट्रेट जहां पे नामांकन करने के लिए प्रत्याशी जाएंगे, सुरक्षा के दृष्टि से किस तरह से ब्रैकेटिंग किया गया है देख सकते हैं। जहां पे पुलिस के जवान तैनात है और आने जाने वाले हर एक पे नजर बना के रखे हुए हैं। जो बहुत कम जो बड़े वाहन है उसी उसको इधर आना वर्जित किया गया है। यहाँ पे जो पुलिस के जवान है उनको साफ निर्देश दिया गया है कि ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगे। हालांकि आज पहला दिन नामिनेशन का है तो अभी तक किसी प्रत्याशी नामिनेशन करने नहीं आए हैं, लेकिन बावजूद जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड में है और तैयार मोड में है। मजिस्ट्रेट की बहाली है, साथ ही साथ पुलिस बल की तैनाती है। आने जाने वाले हर एक को अंदर किसको जाना है और किसको नहीं जाना है, यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है और जो यहाँ पे पुलिस के जवान है वो ये सुनिश्चित करेंगे। कुल मिला जुला कर किसी तरह के कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं हो। जो प्रत्याशी यहाँ नामिनेशन करने आए वो अपने अच्छे तरीका से अपने सुविधा के अनुसार वहाँ पे काउंटर पे पहुंचे और काउंटर पे पहुंचने के बाद अपना नामिनेशन करे। यहाँ का जो मजिस्ट्रेट है उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या निर्देश दिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से और किस तरह की तैयारी चल रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। नामिनेशन का आज पहला दिन है, आपकी यहाँ तैनाती है, किस तरह की आपके जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिया गया है और किस किस बातों को ध्यान में रखा जा रहा है? हमें मेरा ड्यूटी यहाँ पश्चिमी गेट ड्रॉप गेट व्यवहार आने पे है और यहाँ आने वाले जब प्रत्याशी आएंगे तो सारे यातायात को बीच में बंद कर देना है और उनको सुरक्षित वहाँ पहुँचा देना है। सुरक्षित वहाँ पहुँचाना है और किस किस बातों को यहाँ पे ध्यान रखना है? कैसे लोगों को इधर प्रवेश अभी तत्काल में नहीं दिया जा रहा है? तत्काल में बड़ी गाड़ियाँ को जिससे जाम ना हो और जो इमरजेंसी जो इलेक्शन ड्यूटी में उसी को जाने दिया जा रहा है और बड़ी गाड़ियों को रोकी जा रही है। बड़ी गाड़ियों को रोका जा रहा है और जो इलेक्शन ड्यूटी में मौजूद है या जो अफसर हैं उन्हीं को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो पुलिस के जवान हैं उनके द्वारा एक एक आदमी को यहाँ पे देखा जा रहा है। जो है यहाँ ड्रॉप गेट बनाया गया है, ड्रॉप गेट के माध्यम से इसको रोका जा रहा है ताकि बड़ी वाहन इधर अंदर न जाए और यहाँ पे जो कलेक्ट्रेट परिषद है या आसपास के जो एरिया है यहाँ पे जाम की स्थिति न पैदा हो सके ताकि जो नामिनेशन करने जो प्रत्याशी आए उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। गोपालगंज सुरक्षित सीट से अभी तक जो प्रत्याशी यहाँ पे नामांकन करने की जो तैयारियां में है महागठबंधन की तरफ से जो VIP पार्टी है उसके तरफ से चंचल पासवान, तो वहीं NDA के तरफ से जो पूर्व जो सांसद यहाँ है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया है। तो यही IMI के भी एक प्रत्याशी सामने आए हैं और वो ये सारे प्रत्याशियों के बाद अब निर्दलीय प्रत्याशी होंगे। कितने प्रत्याशी होंगे और कितने प्रत्याशी आके नामिनेशन करेंगे और उनके जो प्रत्याशी यहाँ पे आए कलेक्ट्रेट परिषद में नामिनेशन करने के लिए उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, भीड़ों का सामना नहीं करने पड़े, यातायात सुनिश्चित रहे, जो काम करने लोग आए उनको कोई दिक्कत नहीं हो, सारी बातों को देखते हुए गोपालगंज जिला पुलिस प्रशासन और गोपालगंज SP स्वर्ण प्रभात और गोपालगंज जिला पदाधिकारी मकसूद आलम के द्वारा इस पूरे दिशा निर्देश दिया गया है। मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है, पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो सके। दर्श न्यूज के लिए गोपालगंज से मैं शैलेंद्र कुमार।